नमस्कार, मैं हूं सकरवार सुमंत और आप देख रहे हैं बेखौफ आज तक। हाई टेंशन तार की चपेट में आकर झुलसा विद्युत कर्मी का ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान मौत। खबर जनपद गाजीपुर के सेवराई तहसील क्षेत्र से है, जहां हाई टेंशन बिजली की करंट से बुरी तरह से झुलसकर ट्रामा सेंटर वाराणसी में इलाज के दौरान विद्युत कर्मचारी की मौत हो गई। घटना गहमर थाना क्षेत्र के देवल गांव से है, जहां बीते शुक्रवार की रात गांव के ही ट्रांसफार्मर के फ्यूज जोड़ने के लिए विद्युत केंद्र के हेल्पर राम सुरेश चौधरी हाई टेंशन तार की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गए थे। ग्रामीणों की मदद से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदौरा में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में स्थिति नियंत्रण से बाहर होने की वजह से चिकित्सकों ने घायल को ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज चल रहा था। रविवार को विद्युत कर्मी राम सुरेश चौधरी 55 वर्ष का ट्रामा सेंटर वाराणसी में इलाज के दौरान मौत हो गया। इस संदर्भ में गहमर थाना प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार तिवारी ने किसी भी तहरीर मिलने से इनकार करते हुए बताया कि तहरीर मिलने के बाद सुसंगत धाराओं में उचित कार्रवाई करते हुए कार्रवाई की जाएगी। वहीं मृतक की पत्नी शारदा देवी द्वारा देवल पुलिस चौकी पर विद्युत कर्मियों की लापरवाही की तहरीर देने की बात बताई जा रही। अपने क्षेत्र के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे बेखौफ आज तक से।